डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ महवाना के भैंसा गांव में बीती रात किसी शरारती तत्व द्वारा एक धार्मिक स्थल की गोबत को क्षति पहुंचा दी गई। इसकी सूचना सुबह लगने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने बाईपास पर यातायात बाधित कर दिया। उनका आरोप है कि पिछले 2 सालों में यह दूसरी घटना है जब धार्मिक स्थल को इस तरह से क्षति पहुंचाई गई है। पुलिस द्वारा कल तक शरारती तत्वों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। देखिए अभी जाने लग रहे सर। जी ठीक है सर, उसी साहब कह रहे हैं बात। हेलो, अरे सर यहीं पे हो तो आ जाओ जरा, तो कर दीजिए आ जाओ। इसके चार दीवारी भी करवाऊंगा, गेट भी लगाऊंगा। कभी ऐसा होता है कि आदमी जब दीवार से टकरा के वापस चला जाता है, इस बारे में ग्रामीण साजिद हसन व हाजी मोबिन ने यह जानकारी दी। ये हमारे बाईपास पे ईदगाह है गाँव वैसे की, इसमें रात किसी आदमी ने रातों में जो अनजान आदमी ने तोड़फोड़ करी है, काफी तोड़फोड़ हुई है। और अब सुबह हमें मालूम पड़ा, सुबह आके देखा। अब इससे पहले 2 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अब ये काफी टूट है, इससे कई गुंबदें टूटी हैं और टूटा है जो पेशमा का है, ये टूटे हुए हैं। तो कार्रवाई से पूरी मांग की है, कार्रवाई उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द जल्द कार्रवाई करेंगे। तरीके से आवाजी ये तोड़फोड़ हुई रात में और पुलिस ये साधन दे रही है कि हम इसे कल तक फाइनल कर लेंगे, आरोपी पकड़ लेंगे। हाँ, अब लोग मान गए हैं। हाँ, मुलजिम पकड़ने पर हम इससे उतर आएंगे। ठीक, इतना हमें मुलजिम भी पता चलने जाए किसने कराया। वहीं इस बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष शर्मा ने यह बताया। आज सुबह 11 बजे ग्राम भैंसा की जो ईदगाह है उस पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक ईदगाह जो है गांव की उस पर किसी शरारती तत्व द्वारा कुछ तोड़फोड़ की गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोग आए। मौके पर आकर देखा गया तो एक छोटी छोटी जो गुंबद बसी बनी हुई है उनको किसी शरारती लड़के ने या दो तीन लड़कों ने रात में जो है तोड़ा है, और इस संबंध में जो है पुलिस अपनी जाँच कर रही है और इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अब से पहले भी इसमें बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 2-3 साल पहले भी यहाँ पर घटना इसमें हो चुकी तोड़फोड़ की, तो उसमें भी उस समय जो कार्रवाई कुछ ना कुछ पुलिस द्वारा की गई होगी। पर अब की बार फिर से लगता है किसी शरारती व्यक्ति ने किसी भी उद्देश्य से, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तोड़फोड़ की गई है और हम जल्दी इसको पकड़ के अनावरण कर देंगे। लोगों को थोड़ा गुस्सा था, आक्रोश था, लेकिन उसको गुस्से को खत्म कर दिया गया, शांत कर दिया गया, लोग मान गए। और जाम लगाने का प्रयास एक बार हुआ था लेकिन जाम किसी ने लगाया नहीं, तो उसको हम लोगों ने जो है लोगों को समझा बुझा के हटा दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। firstbite की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।